हेलो फ्रेंड्स तो आज हम ओल्ड टॉवल को री उस करेंगे उसके लिए लिया है मैंने आशीर्वाद आटे की दस के वाली पॉलिथिन अपना एक पुराना बहुत पुराना टॉवल था ये मेरे पास उसको लिया है मैंने और अपना एक पुराना कुर्ता उसको मैंने कटिंग करके एक चौकोर पीस बना लिया है सिल करके किनारे से अब हम करेंगे क्या सबसे पहले हम रखेंगे आशीर्वाद आटे की पॉलीथिन को नीचे उसके ऊपर फिर रखेंगे टॉवल को ये टॉवल हमने रख दिया है उसके ऊपर अब उसके ऊपर कुर्ते को जो हमने सिला था उल्टा हिस्सा उसका रखेंगे और हमें ज़रूरत पड़ेगी मशीन की तो इन तीनों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख दिया है हमने और कॉर्नर से सिल देंगे एक कॉर्नर से सिल दिया है देखिए अब हम इसे पलटेंगे देखिए पॉलिथिन को रखी हमने मोड़ा है तो जो कुर्ते का पीस है वो एक साइड सीधे में आ गया है और दूसरे साइड हमारा आ गया है टॉवल और बीच में आ गई है पॉलीथिन देखिए इसको सीधा कर लिया हमने तो पॉलिथिन कहाँ हो गई बीच में अब हम अपने कुर्ते का जो कॉर्नर वाला हिस्सा है जो कि थोड़ा बड़ा मेरा पीस था टॉवल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है पॉलीथिन से तो हम उसे बाद में काट के अलग कर लेंगे अब हम इसे कॉर्नर से मोड़ेंगे तो मोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा किनारे से सिलाई करनी पड़ेगी लेकिन सिलाई से भी पहले ये देखिए कॉर्नर का हिस्सा है इसे हम सिल देंगे मशीन से लेकिन सिलाई से पहले अगर हम सिलाई डायरेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा हिल जाएगा तो बेहतर है कि हम पहले किनारे क्या कर लें सुई धागे से हम उसे कच्चा कर लें तो हम कॉर्नर पे ये मोड़ेंगे और साइड में ये मोड़ते हुए यहाँ पे जहाँ मैं हाथ दिखा रही हूँ वहाँ पर हम क्या कर लेंगे कच्चा कर लेंगे बड़े बड़े टाकों से तो हम यहाँ पे और दूसरे साइड भी यही काम करेंगे तो पहले मैंने साइड में क्या किया है कच्चा कर दिया है और कच्चा करके फिर हम ये किनारे के टाकों पे कच्चा करके फिर हम क्या करेंगे बड़े बड़े टाकों से मैंने कच्चा किया है एक साइड पे अब हम इस पर मशीन चला देंगे इस हिस्से पे देखिए इस किनारे वाले हिस्से पे हमने ये जो कच्चा किया है इसी पे मशीन चला देंगे चला दिया हमने यही काम हम क्या करेंगे अपोजिट साइड भी करेंगे देखिए इस साइड मशीन चल चुकी है और धागे को हम कच्चे वाले टाकों को खोल देंगे ठीक है अब इसी तरह हम क्या करेंगे दूसरे कॉर्नर पे भी क्या करेंगे मोड़ देंगे और मोड़ करके इधर भी हम क्या करेंगे कच्चा करेंगे पहले ये सुई धागा ले लिया मैंने और इसको लेकर के सिलाई कर देंगे कॉर्नर पे बड़े बड़े टाकों से कर लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास पिनस हों तो उन पिन को आप अटका सकते हैं ताकि ये आपके तीनों कपड़े इधर उधर ना हों टॉवल पॉलीथिन और आपका कुर्ते का कपड़ा तो ये तीनों चीज़ें एक साथ करके मैंने तो सुई धागे से ही सिल दिया है मेरे लिए ये आसान पड़ा तो इस तरह से सिलाई करने के बाद कच्चे टाँखों को करने के बाद फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे मशीन की सिलाई कर देंगे इससे आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और आसानी से आप सिलाई कर पाएंगे तो मैंने कॉर्नर सिल दिया है अब ये कॉर्नर पे देखिए मेरा टॉवल बड़ा है तो अब ये कॉर्नर का जो हिस्सा है टॉवल वाला ये हम कटिंग कर लेंगे किनारे से ये कैंची लेकर मैंने उसको कॉर्नर वाला हिस्सा काट के अलग कर लिया ये भाग मेरा टॉवल का बच गया तो मैं इसका फिर कुछ बना लूँगी तो ये कॉर्नर तक मैंने काटा इसको अब देखिए ये मेरी सिलाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मैंने यहाँ रोक दिया जो मशीन की सिलाई थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई तो अब हम इसे यहाँ से डायरेक्ट नहीं काटेंगे क्योंकि फिर हमारा कुर्ते का कपड़ा भी कट जाएगा तो इसे मैंने सुई धागे से खोल लिया पहले अब जो है हम मशीन से उस हिस्से को काट के अलग कर देंगे तो ये जो टागल का छोटा पीस बचा है इसका मैं बना दूँगी दो हैंग की या कुछ भी बना सकते हैं आप चाहे तो इसकी बीच से कटिंग करके दो रुमाल बना सकते हैं उस छोटे वाले पीस का और ये देखिए रुमाल जितना पीस बन गया है मेरे पास दो रुमाल छोटे इसमें बन सकते हैं टॉवल के जिन्हें हम हाथ मोछते हुए या किसी में काम में यूज़ कर सकते हैं आप ये मोड़ के हमने रख दिया है अभी इसको बाद में यूज़ कर लेंगे किसी और दिन अब ये जो किनारे का हिस्सा है इसे भी हम मोड़ेंगे टर्न करेंगे और इसे भी हम क्या करेंगे उसी तरह से कच्चे टाके करने के बाद फिर मशीन से सिलाई लगा देंगे पूरा किनारे सिलाई कर दीजिए अच्छे से तो ये एक हमारा बैठने के लिए एक अच्छा सा गद्दी टाइप की तैयार हो गई है जिसमें नीचे पॉलीथिन भी है आराम से आप ज़मीन पर भी रख के बैठ सकते हैं ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी या आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो आप बिस्तर पर बिछा सकते हैं तो बिस्तर अगर बाई चांस गीला हुआ तो गीला नहीं होगा आपका गद्दी ही ख़राब होगी फिर आप धुल लीजिए उसको और इस चौकोर पीस के आप आराम से सिलाई करके आप रुमाल बना सकते हैं तो कैसा लगा मेरा आइडिया ये सिलाई करने के बाद गद्दी एक साइड से ऐसी हो गई है और दूसरी साइड हमारा टॉवल है तो आप इसका और भी उपयोग कर सकते हैं चाहे बिछाने में कीजिए या गद्दी की तरह रखिए आप बिस्तर पर कहीं भी बैठने में आप यूज़ कर सकते हैं तो मेरा आइडिया अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ आइकन जरूर दबाइएगा और भी जानकारी के बहुत सारे वीडियो हैं